सो हेलो एंड वेलकम, मैं दिस साइड और विजय हेयर। और दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये पाठशाला के चैनल पे। आप सभी लोगों को पता है कि क्लास ट्वेल्थ का हमने जो ज्योग्राफी के चैप्टर्स है वो पहले से सारे अपलोड करे हुए, बस क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर का कंटेंट समझना होता है। इसलिए हम इस 20 मिनट की सीरीज में हम आपको बताएंगे कि पूरे चैप्टर के अंदर ये इसमें है क्या। आई होप आप सभी लोगों ने जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो थी वो पहले से देखी होगी, जब जाके आप इसे क्विक देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। मेरा नाम विजय है, आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जाइए, जरूर जुड़ेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, जहाँ पे हम अवेलेबल रहते हैं। और कोई भी चैनल के रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो इसीलिए आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो जो नोट्स होते हैं हम आपको वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, सो दैट इज वाई यू कैन ज्वाइन देयर। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन की अगर बात करें जाए तो यहाँ पर बेसिकली हमने प्राइमरी एक्टिविटी को, अगर मैं बोलूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्यों कहलाएगी। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो पैसा आपको जनरेट करके देती है। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या कहते हैं, चार हिस्सों में पूरे काम को बांटा हुआ है, जिसमें से प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर फिशिंग, माइनिंग और उसके बाद फार्मिंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो डायरेक्टली पर्यावरण की चीजों पर निर्भर करता हो, जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोलिस एक्टिविटी, उसके बाद फिशिंग एक्टिविटी हो गया, फॉरेस्ट्री एक्टिविटी हो गया, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, ये डायरेक्टली ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में आती है जो डायरेक्टली सीधा पर्यावरण, एनवायरमेंट से कनेक्ट होता है। इसमें इंसान कोई चीज बनाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट की चीजों से, चाहे वो भीड़ बकरियां हो, चाहे वो मट्टी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे धरती के अंदर मिलने वाली चीज हो, उससे ही कनेक्ट होता है। सो दैट इज वाई प्राइमरी एक्टिविटी है। इस पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं के बारे में डिस्कस करा गया है। इस चैप्टर से मैप के क्वेश्चंस बहुत आए हैं तो आप उस पर जरूर फोकस करेगा। देखिए, हंटिंग एंड गैदरिंग की अगर बात करी जाए तो अर्ली टाइम पीरियड के अंदर इंसान क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास के इलाके थे, हमने देखा है मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता के लोग, उस टाइम पीरियड पे हंटिंग एंड गैदरिंग ही हुआ करता था। लोगों के पास दूसरे एग्जांपल ही नहीं थे, इसलिए लोग साफ सफाई करके जानवरों को मारते थे, रेफ्रिजरेटर था नहीं तो इसलिए हंटिंग करके जब तक खाना होता था खाते थे, और नहीं तो क्या कहते हैं फिर फाइनली गैदरिंग कर लेते थे। सूखी बेर हो गए, कंदमूल हो गया, उन चीजों को लोगों ने गैदरिंग करना स्टार्ट करा। सो दैट इज वाई आप देख सकते हो ये अर्ली टाइम पीरियड में था, फिशिंग की, हंटिंग वंटिंग करना, ये सब। उसके बाद अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो ये ओल्डेस्ट एक्टिविटी है इकोनॉमिक की, जिसमें इंसान क्या कहते हैं एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जाता है, हार्श क्लाइमेट के अंदर भी क्या कहते हैं वो कर लेता है हंटिंग। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता नहीं था, ऑफ कोर्स उस समय पे कैपिटल होती नहीं होगी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था हंटिंग करने, तो तीर धनुष बना लीजिए, भाला बना लीजिए, तो मतलब ज्यादा उसमें होता नहीं था। अब पूरे इंडिया के अंदर तो ये बहुत कम अब देखने को मिलता है, लेकिन पेपर के अंदर अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है आपके तो आपको जगह पता होना चाहिए कि किन किन इलाकों में ये होता है। नॉर्थ कनाडा का हिस्सा दिख रहा है, अमेज़न बेसिन का हिस्सा दिख रहा है, अफ्रीका के कुछ कॉन्टिनेंट है, ये लोरेशिया का कुछ हिस्सा है, और यहाँ पे कुछ आसपास के इलाके, कुछ चिली के प्रदेश है ना, तो साउथर्न एशिया वाला पार्ट, इधर पर हंटिंग गैदरिंग आज भी प्रैक्टिस करी जाती है। तो ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि हंटिंग और गैदरिंग का ये वाला प्लेस बताइए कौन सा है, तो आपको पता होना जरूरी है, ये वाला बताइए कौन सा है, कि अमेज़न बेसिन है, वो नॉर्थ कनाडा है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। अब उसमें से एक एग्जांपल जीता जाता होगा, यहाँ पे बता रखा था गोंद के बारे में, और उसके बाद क्या कहते हैं इससे गम बनता है जो चिंगम के अंदर मीठा पदार्थ होता है, ये हंटिंग एंड गैदरिंग, गैदरिंग में इंसान इसको भी गैदर किया करता था, तो एक एग्जाम्पल है। अब पेस्टोलिज्म का मतलब, अर्ली टाइम पीरियड के अंदर ये एक्टिविटी होती क्या थी, पेस्टोलिज्म का मतलब होता है जब जिस समय लोग अपने ऊंट को, भेड़ को, बकरियों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाया करते थे। इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए पेस्टोलिज्म का जो आता है एमसीक्यू का, ये लोग विभिन्न परिस्थितियों के अंदर ट्रांस ह्यूमन करते रहते हैं, इसीलिए आपको ट्रांसह्यूमन के बारे में इसमें जानना जरूरी है। ऑफकोर्स पेस्टलिज्म में ये होता है कि चरवाह लोगों में कि नीचे के इलाकों में गर्मी स्टार्ट हो रही तो ऊपर के इलाकों में चले जाओ, ऊपर के इलाकों में ज्यादा ठंडी होगी तो नीचे के इलाके में आ जाओ, तो इसीलिए एक डेफिनेशन जो है, दो टाइप की नॉमेडिक हर्डिंग होती है और कमर्शियल लिव स्टॉक, मतलब पेस्टोलिज्म के भी दो हिस्से हैं। इसमें भी आपका क्या कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, इसे पूछ लेगा आपसे कि नॉमेडिक हर्डिंग वाला प्लेस जहां पर इंसान अपने जानवरों को लेके तो जाता है लेकिन ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है, कमर्शियल लिव स्टॉक हर्डिंग के अंदर जो पशुओं को पालते तो है लेकिन साइंटिफिक और ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंट भी आपसे पूछ लेगा एमसीक्यू के अंदर। तो घुमंतू चरवाहा तो हमें पता है कि ज्यादा ट्रांसपोर्ट टूल शेल्टर इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं, नॉर्मली अपने भेड़ बकरियों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होता है और बस लोग क्या कहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सेटल हो जाते हैं। इन लोगों को
इन लोगों को आप देख सकते हो कि कहां कहां के हिस्सों में ज्यादा है ये, और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा कि आप बताइए कि ये मंगोलिया वाला हिस्सा जहां पर है वहां पे कहां पे क्या कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग होती है, यानी कि पेस्टोलिज्म का हिस्सा। ये इन लोगों को ट्रांसह्यूमन कहा गया, तो ट्रांसह्यूमन की डेफिनेशन आपसे पूछ लिया जाएगी। ट्रांसह्यूमन लोग होते कौन है, तो ये ऋतु प्रवास लोग जो मौसम के हिसाब से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, है ना। तो इंडिया के अंदर तो ज्यादातर ये गुज्जर बकरवाल और क्या कहते हैं गाड़ीज और भूटियाज जो होते हैं ये लोग क्या कहते हैं हिमालयन रीजन के आसपास रहते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको स्टडी जरूरी है ना। उसके बाद अगर कमर्शियल लिविंग स्टॉक की बात करें तो इसमें भेड़ बकरियों और पशुओं को पाला तो जाता है, जानवरों को पाला तो जाता है, लेकिन इनके लिए स्पेशल रेंज बनाई जाती है, इनकी साफ सफाई, खाना पीना और साथ में क्या कहते हैं इनकी देखरेख के लिए बहुत पैसा लगता है। तो इसीलिए ऐसा पालन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। साइंटिफिक बिहाफ पे इनको ऑर्गेनाइज मैनर में रखना जरूरी है, इसमें मेन पैसा लगता है। यहां पे क्या कहते हैं इनके स्पर्म डोनेट होना, इनको सारी चीजों को बेचना, ये सारी चीजें स्पेशली होती है और ये आपको पता होना जरूरी है कि किस हिस्सों में होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि ये वाली क्या कहते हैं फार्मिंग के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कमर्शियल लिविस्ट ऑफ रेयरिंग जो है एक पेस्टोलिज्म हो सकता है और यहाँ पे क्या कहते हैं इंसान इस चीज को इस्तेमाल करता आया है और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। किन इलाकों में हो रहा है वो जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हिस्सों में हो रहा है, आप देख सकते हो, तो इसीलिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में तो आपको पता है एग्रीकल्चर ये सारा तो हमें पता है, लेकिन एग्रीकल्चर का टाइप है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में कुछ एग्रीकल्चर जो पुराने समय की नीतियों के हिसाब से अभी भी यूज हो रहा है, और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ दो चार फैमिली होती है जो काम कर रही होती है, लेकिन कमर्शियल एग्रीकल्चर ऐसा नहीं होता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशली पैसा लगता है, और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसमें सिर्फ इंसान खुद के खाने कमाने के लिए करता है, और उसके भी दो टाइप आपको बताए गए हैं, और कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर प्लांटेशन, कमर्शियल क्या कहते हैं ग्रेन मिक्स फार्मिंग, और उसके बाद एक्सटेंसिव फार्मिंग भी इसी का पार्ट बन जाता है, वो हम आगे देखेंगे। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में जमीन छोटा होता है, छोटा भी क्या मोस्टली हिस्सा खुद के खाने के लिए होता है, और उसका पार्ट एक प्रिमिटिव है। इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी का ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, और ये एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। अगर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के बारे में आपको पता हो तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इसी का ही हिस्सा है, इसलिए स्लैश एंड बर्न फार्मिंग यानी कि जो खरपतवार होता है या जिसे पराली बोलते हो जला के उसे खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेना, वो एक प्रिमिटिव यानी कि आदिम निर्वाह खेती का ही एक पार्ट है। कहाँ कहाँ होता है आप ये देख सकते हो, पेपर में ये आ सकता है, और इस चैप्टर के मैप सबसे ज्यादा चैप्टर के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए आपको इन पे फोकस करना होगा। इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कहां कहां पे कौन से नाम से पुकारा जाता है वो आपको ज्यादा जरूरी है कि इस जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है तो उसमें सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का पार्ट तो है, लेकिन इसको कहां पे किस नाम से जाना जाता है ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। दूसरा एक और पार्ट आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, जैसे गहन निर्वाह खेती बोलते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं ज्यादातर गेहूं को उगाते हैं, और या तो गेहूं के अलावा जैसे मटर होगी सरसों होगी इनको उगाया जाता है। तो इसमें ऑफकोर्स घर के ही कुछ लोगों का इस्तेमाल होता है, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती नहीं है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि ज्यादातर या तो क्या कहते हैं गेहूं या क्या कहते हैं चावल उगाया जाता है, सदस्य के लोग ही काम करते हैं और इसमें लिमिटेड मशीनरी का इस्तेमाल होता है, और पैडी के अलावा कुछ और उगाना है तो भाई धान आपका छोटी मोटी मटर होगी, सोयाबीन हो गया, है ना, उसके बाद सलजम हो गया, कुछ भी चीज नॉर्मल होगी गेहूं और चावल के अलावा। तो ये जो फार्मिंग होती है ना भारत के हिस्सों में ज्यादा होती है, और भारत के हिस्सों में ऐसी फार्मिंग हमें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अब बात करें अगर हम लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर का, तो कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा हिस्सा बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर अगर प्लांटेशन की बात करें तो बहुत बड़े बागानों के अंदर एक ही फसल के ऊपर काम किया जा रहा होता है, बहुत सारा पैसा इसके अंदर लगता है, लेबर लगती है, साइंटिफिक मैनर के हिसाब से इसके अंदर काम किया जाता है। आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी फसल है जिसे प्लांटेशन क्रॉप नहीं कहा जाता, तो जो प्लांटेशन क्रॉप नहीं कही जाती है उसके ऊपर आपको फोकस करना जरूरी है। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है, टी कॉफी कोको रबर, कौन सी नहीं होती है, एग्जामिनर आपसे देगा गेहूं डाल देगा और आपसे पूछ लेगा बताइए कौन सी नहीं है, तो बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये कहां कहां के हिस्सों में प्लांटेशन खेती करी जाती है, इंडिया के कुछ हिस्सों में भी करी जाती है। अब ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन ये क्या होता है, अभी हमने इंटेंसिव पढ़ा था, अब एक्सटेंसिव है, मतलब इंटेंसिव में छोटे लेवल में, एक्सटेंसिव में बड़े लेवल में। यहाँ पे भी गेहूं उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, एक ही प्रकार की फसल है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी मशीनरी में होता है, ये बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं इलाकों में उगाया जाता है, इसमें भी बहुत सारा पैसा लगता है, पर ये प्लांटेशन खेती से थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें बेसिकली अनाज गेहूं ही उगाया जा रहा है, और प्लांटेशन में कॉफी रबर चाय ये उगाया जाता है। ये भारत के कौन से हिस्सों के अलावा कहीं और कहां कहां पे है, तो ये पेपर के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसे भी आप देख लेना।
मिक्स फार्मिंग ऑफकोर्स दो चीजों को एक साथ बैलेंस करना, एनिमल्स भी और साथ में क्या कहते हैं पशुओं का भरण पोषण करना, दोनों ही है। दोनों के फीचर्स यही है कि इसमें क्या कहते हैं लोगों को थोड़ा बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाना पड़ता है, फायदा इसके अंदर ज्यादा हो जाता है, मेन बात ये है। अब ये कौन से हिस्सों में है, यूरोप के मोस्टली हिस्सों में मिक्स फार्मिंग का इस्तेमाल होता है। डेयरी फार्मिंग स्पेशली कैटल से रेयरिंग रिलेटेड है, प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट है क्योंकि नेचर से ही तो कैटल मिल रहा है, हमने तो बनाया नहीं है। फीचर ये है कि इस कैटल फार्मिंग में पैसा लगता है, लेबर भी ठीक ठाक लगता है और यहाँ पे हमें कैटल्स की जो क्या कहते हैं ब्रीडिंग होती है, पैदा करने वाला सिस्टम, हम उसके अंदर भी बहुत सारे नए नए वेरिएशन देखते हैं और इसीलिए हमें इनका क्या कहते हैं वेटरनरी सर्विस जो होती है वो देनी पड़ती है साफ सफाई के लिए। और इस काम के अंदर कोई रेस्ट नहीं होता, फसलों में तो एक टाइम के लिए रेस्ट होता है लेकिन इसमें नहीं होता। पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, मेडिटेरियन जो डेयरी फार्मिंग है वो होती है, मेडिटेरियन डेयरी फार्मिंग स्पेशली जो भूमध्य सागर के आसपास होती है, सिट्रस फूड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सिट्रस फूड मतलब खट्टे फल, इसका फायदा ये होता है कि स्पेशली बेचने के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पे फ्रूट्स के लिए यानी कि स्पेशली अंगूर की खेती के लिए इसको बोला जाता है। मेडिटेरियन सी यूरोप के मोस्टली हिस्सों में, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्ट अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप्स, वेस्टर्न साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये पार्ट आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, बताइए कहाँ कहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, आपसे टिक करवा लेगा। तो ये इलाके आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी होती है और आपको पता है कि इटली के अंदर सबसे अच्छी वाइन जो है वहीं मिलती है क्योंकि अंगूर की खेती सबसे ज्यादा वहीं होती है। कोऑपरेटिव और कलेक्टिव में सिंपल सा अंतर बस ये मान के चलिएगा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग जो होती है वो क्या कहते हैं मैं कह सकता हूँ कि सरकार के अंडरटेकिंग में हो सकती है, कलेक्टिव फार्मिंग में सरकार के अंडरटेकिंग में होती है पर कोऑपरेटिव में सरकार के अंडरटेकिंग नहीं होती है। एक्सप्लेन सीरीज मैंने इस पर पूरी बनाई हुई है, डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए। एकमात्र छोटा सा एग्जाम्पल बस समझाना चाहूंगा कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है उसमें एक किसान, दो किसान, चार किसान मिलके आपस में खेती कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग के ऊपर, कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर दो चार किसान, पांच किसान आपस में मिलके काम कर लेते हैं लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग के ऊपर सरकार का ओन रहता है, जैसे यूएसएसआर में कोल खोज करके एक सिस्टम हुआ करता था, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपको मैप में देखना पड़ेगा, ये कहाँ किया जाता है ये मैप में देखना पड़ेगा। अब एक और पार्ट आता है वो है आपका माइनिंग का। माइनिंग भी क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं तीन तरीकों से मैटर करता है, नंबर वन फिजिकल फैक्टर और उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मैटर ये करता है कि अगर माइनिंग करनी है तो जमीन के कितने अंदर करनी है या जमीन के ऊपरी सरफेस पे। दूसरा मैटर करता है कि इकोनॉमिक फैक्टर, पैसा कहां से आएगा, सरकार पे करेगी या कोई इंडिविजुअल कंपनी उस माइनिंग के तहत चीजों को निकालेगी। सो दैट इज वाई दो चीजें फैक्टर कर जाती है। फिजिकल फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया कि वो जो जहां से मिनरल्स निकालना है माइनिंग करने के लिए वो कितना गहराई में, कितना किलोमीटर नीचे है वो जानना हमारे लिए जरूरी है, साइज में कितना है या असल में गोल्ड है, हीरे है, क्या है ना, बॉक्सोवा क्या कहते हैं फॉरेस्ट काटा जा रहा है हीरो के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा फिर यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर मैटर कर जाता है, पैसा, टेक्नोलॉजी, जिस हीरे को या जिस चीज को निकाला जाएगा तो उसमें पैसा जो लगेगा, अगर उतना पैसा लग रहा है जिससे हमें फायदा होगा तो क्या हमें लगाना चाहिए या नहीं, तो इकोनॉमिक फैक्टर मैटर करता है। माइनिंग के मेथड दो ही तरीके के, सतह पे या अंडरग्राउंड। सतह पे तो बहुत आसानी से हो जाती है, ऊपरी हिस्सों पे तो माइनिंग आप कर सकते हो, ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती नहीं है, आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर अंडरग्राउंड करनी है तो फिर हमें एक ऐसी लिफ्ट सी बनवानी पड़ती है जो हमारे लिए कहीं कहीं बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि अंदर जाके वेंटिलेशन का सिस्टम, अंदर जाके पानी वानी ना भर जाए उसका दिक्कत तो ये रहता है, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़े नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस पूरे चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटी के रिगार्डिंग में यही है। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एमसीक्यू की सीरीज। आप लोगों के लिए 2 बजे अभी डेली लाइव चल रही है, जुड़ने की कोशिश करिएगा डेली के डेली, जब तक ज्योग्राफी का एग्जाम नहीं होता है हम आपके साथ लाइव सेशन अटेंड करते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी से अगले पार्ट में जो 20 मिनट की क्विक सीरीज होगी जिसमें आपको चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।